हमें क्या करना है बताओ। कोई एक जल्दी सोचो यार। अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें दो वेरिएबल को कंबाइन करके उसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ या ना? ये दिखा एम। अगर हमें एक्स माइनस वाई चाहिए तो हमें एक्स और वाई को कंबाइन करके वैल्यू निकालनी है। सेम एज वाई को और जेड को कंबाइन करके वैल्यू निकालनी है। सेम एज जेड और एक्स को कंबाइन करके वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों वैल्यू माइनस हाफ आ जाती है तो तीनों बराबर हो जाएंगे। एम तो यही है ना? हाँ है ना? बस ये एम अगर हमने देखा, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये एम हमने देखा, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखा कैसे खत्म हुआ? अभी हम देखते हैं इसको। आ जाओ भाई, देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा सब लोग। अगर हमें एक्स और वाई चाहिए तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई एक तरफ रखो, कॉस जेड दूसरी तरफ ले आओ। साइन एक्स और साइन वाई एक तरफ रखो और साइन जेड दूसरी तरफ ले आओ। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्स माइनस वाई। अब तुरंत हमने अपने दिमाग में इमेज बनाई किसकी? कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई की। तो ये क्या होता है? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्या इमेज दिखी सबको? यानी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स इंटू साइन वाई होना चाहिए। अब सोचो जरा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई कब आएगा? जब हम इसका क्या कर देंगे? Squaring both side. बस वो दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। तो इक्वेशन वन स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस टू कॉस एक्स कॉस वाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई। हाँ या ना? और साथ में क्या आएगा? टू साइन एक्स साइन वाई। और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड। अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? वन कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई क्या होगा? वन कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड क्या होगा? वन वन तो टू प्लस टू कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन हो जाएगा। यहाँ से टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हो गया? माइनस वन कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई भाई? क्या कहते हो? ट्रिक्स ऑन में सेम एज क्या कॉस ऑफ वाई माइनस जेड की वैल्यू भी माइनस हाफ होगी? यस सर। क्या कॉस ऑफ जेड माइनस एक्स की वैल्यू भी माइनस हाफ होगी? हाँ या ना? सेम एज क्यों लिखा, समझ गए? अब यहाँ पे ये वाला इधर कर देंगे और ये वाला इधर कर देंगे। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। यहाँ पे ये वाला इधर स्क्वायर करके फिर से ऐड कर देंगे तो वही चीज आ जाएगी। दिखा टफनेस क्वेश्चन की खत्म हो गई तुरंत, ऑब्जर्वेशन क्लिक किया। चलिए अब देखिए, जैसे कुछ और चीजें हैं। जैसे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज वन, पढ़ी है ना सबने? अच्छा, इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वन। या इसको अगर हमें sec थीटा प्लस टेन थीटा निकालना हो तो हम इसको वन अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा भी लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये तीन मतलब तीनों चीजें हैं सेम, बट तीन अलग अलग तरीके से लिखी हैं। लिखी हैं कि नहीं भाई? सिचुएशनली आप एक ही फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला एक ही है, बट लिखने का वे अलग अलग हो गया कि नहीं, ये बताओ। क्या कहते हो, समझ रहे हो कि नहीं भाई? है ना? या इसी चीज को आप कहीं ऐसे भी लिखा पा सकते हो, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हो, या कई बार आप टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हो? sec स्क्वायर थीटा माइनस वन। फॉर्मूला एक ही है बट लिखने के वे अलग अलग हैं। दिख रहा है कि नहीं भाई? अब ये मत समझना कि ऐसे ये बहुत सारे फॉर्मूले ना, एक ही फॉर्मूला है। सेम तरीके से सोचो, एक और आपने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप ऐसे ही ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लिख सकते हो कि नहीं भाई? तो इसी में अगर आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डील करना हो तो आप इसको वन अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बोल दोगे। हाँ या ना? या कहीं पे आपको कॉट स्क्वायर थीटा देखना हो
तो आप इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन देख लेते हो, हाँ या ना? कहीं पे आपको ऐसे ही देखना हो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन देख लेते हो। क्या ये सब बातें समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ। है तो देखने की एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला है, बट सिचुएशनली आप ऐसे चीजें ऑब्जर्व करके लिख सकते हो कि नहीं, ये बोलो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, दिखा कि नहीं। अब मैंने ये सब क्यों लिखा, आईआईटी ने एक बार एक सवाल को ऐसे पूछ दिया था, उन्होंने कहा कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू टू फाइंड cot थीटा। बताओ sec थीटा प्लस tan थीटा इज टू फाइंड cot थीटा, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, अब भाई एक ही इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन तो है नहीं। अब या तो हम स्क्वायर करें फिर sec और tan सब कन्वर्ट, उससे बेटर क्या है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू हाफ। हाँ, sec थीटा माइनस tan थीटा को हम सीधे सीधे हाफ लिख देंगे, और sec थीटा प्लस tan थीटा हमको पता ही है कितना है भाई, टू। दोनों इक्वेशन को हम सीधा पहली लाइन में क्या कर देंगे, एड सब्ट्रैक्ट ना। अरे कॉट निकालना यार, ऐड करेंगे है कि नहीं भाई? जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस टू टेन थीटा की वैल्यू क्या माइनस थ्री बाई फोर आएगी, सॉरी माइनस थ्री बाई टू आएगी, तो क्या टेन थीटा की वैल्यू थ्री बाई फोर हो जाएगी, तो सीधा कॉट थीटा कितना हो गया फोर बाई, बात खत्म। क्या बोलते हो भाई, आइडेंटिटी का यूज समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो? क्या ये आइडेंटिटी का यूज सबको दिखा कि नहीं, बताओ? यस सर, वेरी गुड। यस सर, आप देखिए यही आपने एक और आइडेंटिटी पढ़ी होगी, उसको ऐसे पूछ लिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू के, फाइंड ए साइन थीटा फाइंड ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड के। बताओ, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू के दे दी और इसकी वैल्यू पूछ ली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह कई कैलकुलेशन को ये बहुत रिड्यूस करता है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, इसका सोल्यूशन में क्या टेक्निक लगेगी, इसके सोल्यूशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, हम ये सोचेंगे क्यों। लेट अस कंसीडर, मतलब ये सब ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कितना दिया हुआ है बताओ, के क्या हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो कोई फायदा है? सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। वेरी गुड, जैसे स्क्वायर करके ऐड करोगे सोचो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, एन ए स्क्वायर। ये दिखा सबको कि नहीं भाई, यस ए स्क्वायर। ऐसे ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, बी स्क्वायर। समझ पा रहे होगे यार मेरी बात, और फिर माइनस टू ए बी कॉस थीटा और टू ए बी कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो क्या लैम्डा की वैल्यू को हम प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। अरे हाँ या ना बोलो यार, अब समझ गए कि नहीं? यस सर। तो ये सारी टेक्निक्स है, इसमें भी देखा हमने स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, ये आइडेंटिटी हमारे दिमाग में चल रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? गुड, ये आइडेंटिटीज का छोटा सा यूज था, क्या ये सबको समझ में आया, ये बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे आइए हमने tan का फॉर्मूला पढ़ा है ना, हाँ है ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं हमने, बताओ। यस yes.
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्या मुझे कोई बताएगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ओके हो गया इस फॉर्मूले से सभी लोग, है कि नहीं? बोलिए भाई। अच्छा अब ध्यान से जरा ऑब्जर्व करना, अगर मैं आपको tan a प्लस टेन बी बताऊं तो क्या हम इसको साइन a प्लस बी अपॉन cos a cos b लिख सकते हैं, और अगर मैं आपको tan a माइनस टेन बी बताऊं तो क्या हम इसको साइन a माइनस बी अपॉन cos a cos b लिख सकते हैं। सेम अगर मैं आपको cot a प्लस cot b बताऊं, क्या रिवर्स में बताऊं, सेम cot के हिसाब से चलूं, मतलब मैं आपसे कहूं cot b प्लस cot a, तो क्या हम इसको cot of b प्लस a अपॉन या a प्लस b अपॉन साइन a साइन b बोल सकते हैं, और यहीं पे मैं आपसे cot b माइनस cot a बोलूं तो क्या हम इसको cot of a माइनस b अपॉन साइन a साइन b बोल सकते हैं। अब ये सारे रिजल्ट डायरेक्ट हैं, बट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में ये डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। अब ये कोई रिजल्ट नहीं है, आपको ये रिजल्ट किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे क्योंकि एज अ रिजल्ट ये नहीं है, बट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में ये एज अ टेक्निक यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको भाई टेक्निक नहीं इम्पोर्टेंट रिजल्ट की कैटेगरी में डालता हूँ। अब क्या ये रिजल्ट प्रूव होते हुए दिख रहे हैं सबको, ये बताओ? मैं एक आपको प्रूफ कर देता हूँ, ये तो सिंपल है यार, जैसे एक मैं प्रूफ कर देता हूँ बाकी सब आप कर लेंगे। जैसे टेन ए प्लस टेन बी आपको मैं दिखाता हूँ तो आप क्या करोगे, साइन ए बाई कॉस ए साइन बी बाई कॉस बी, हाँ या ना बोलो, और इसी को आप कॉस ए कॉस बी लिख दोगे, यहां से क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये क्या बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, क्या कहते हो भाई, हाँ या ना बोलो, मेरी बात समझ रहे होगे वैसे? Yes, अच्छा ये सॉरी ये मैंने कॉट लिख दिया, ये कॉस होता है भाई, ओहो ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है कॉस, अरे क्या समझे क्या बोलो? Yes, तो सेम है, सारे प्रूफ कर लेंगे कि नहीं बताओ? Yes, तो कॉस ए माइनस बी, यार एक सेकंड, रिजल्ट तो साइन ही होगा ना ये, ओहो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भी, रिजल्ट तो ये साइन ही होगा ना, फॉर्मूला तो साइन का ही बनेगा ना, क्या बोलते हो? अगर कॉट बी प्लस कॉट ए भी करोगे तो फॉर्मूला तो साइन का ही बनेगा ना, देखो तुम में से किसी ने सोचा भी नहीं। यस सर, डिनोमिनेटर में कॉस बी बाई साइन बी प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बताओ? साइन बी ए साइन बी, क्या बन रहा है ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो तो सही तो बन रहा है यार, मैंने ही गलत लिख दिया था ना, ये साइन ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी तो आ रहा है। Yes, यानी cot में sin a sin b डिवाइड हो जाता है और tan में cos a cos b डिवाइड हो जाता है, ये याद रखने का टेक्निक हो गया। अरे हाँ या ना बोलो यार, याद रखने का टेक्निक। सर आपने माइनस लिख दिया। सर प्लस हो जाएगा। ओह सॉरी प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये रिजल्ट भी सिचुएशनली क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे, अब जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तब हम इस सिंपलीफिकेशन के बारे में सोचेंगे, क्या है मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? रिजल्ट सिंपल सा है, 1 प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, इसी को रेसिप्रोकल कर दो तो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए कितना हो गया टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस ए,
अरे हाँ है ना, और ये क्या आ गया, कॉस ए प्लस माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, दिखा क्या। तो यहीं पे आपने सिचुएशनली एक चीज ऑब्जर्व की कि नहीं की, कि टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए और टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस ए अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वन आएगा, क्या कहते हो। यस, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए और टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस ए मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वन आएगा। अब ये वो सिचुएशन है जो आपको क्वेश्चन में बुकों में या कहीं पे एज अ रिजल्ट लिखी नहीं मिलेंगी, बट अगर आप इन चीजों को कहीं एक जगह स्टैंड करके लिखते हैं, समझते हैं, तो आप क्वेश्चन आराम से रिड्यूस कर लेते हैं। अब ये मत समझिएगा कि बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, समझ रहे हो ना, इसको एज ए मत स्टैंड करिएगा कि बहुत सारे फॉर्मूले मैं लिखाता चला जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की टेक्निक्स हैं। अच्छा प्रूफ देख लेते हैं पहले, इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। जैसे अगर आपकी ये बात करूं मैं कि कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए आ जाए, तो अगर हम कॉस ए से डिवाइड कर दें, बोलो कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्योंकि हमें टेन सोचना है ना, तो टेन को साइन बाई कॉस बनाना पड़ेगा, क्या कहते हो, बाई कॉस ए, तो ये क्या आ जाएगा सोचो, वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, हाँ या ना, क्लियर हो गया होगा भाई, बोलो। yes. अच्छा अब वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए, देखो आपने मुझे बताया था ना कि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर, यहाँ पे वन मल्टीप्लाई कर लू इंटू टेन ए, तो क्या ये फॉर्मूला टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए का है, अरे हाँ या ना सोचो। yes. दिखा क्या, ऐसे जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो वही सेम चीज रिवर्स में आके लिख जाएगी आपके सामने। दूसरा वाला बता दीजिए। क्या बोलो बेटा, टेन ए प्लस बी ना, इस वन को हमने टेन पाई बाई फोर लिख दिया और यहाँ वन मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसको भी टेन पाई बाई फोर लिख दिया क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है। अब देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी हो गया ना। नहीं नहीं लर्न नहीं करने, बस ये रिजल्ट समझने हैं आपको, लर्न नहीं, रिजल्ट समझ लो कैसे आ रहा है, दिमाग में रख पाओ, कॉपी में एक जगह जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रिजल्ट लिख रहे हैं उनको कॉपी में एक जगह लिखते रहो, एक जगह उनको जहाँ जिस जगह स्टडी करते हो वहां पे पेस्ट कर लो, दिन रात उनको देखते रहो तो अपने आप सेट हो जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो क्या ये बात समझ में आई भाई जो लिखी मैंने, बोलो भाई। yes, चलिए yes, आप जरा कुछ क्वेश्चंस में वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन देखो अब जल्दी से, अब तो मुझे ज्यादा हिंट करने की जरूरत नहीं, सिक्स में तो कुछ सिक्स में हो गया था होमवर्क में। yes. कर लिया था क्या दोनों को ऐड दोनों को करके। हाँ, yes, चलो सेवन आ जाओ जरा, आइए भाई सेवन देख लेते हैं। सेवन आओ, सेवन का पहला पार्ट तो अब चुटकी में प्रूव हो जाता है। यस सर, सेवन का पहला पार्ट तो अब आपको प्रूव ही दिमाग में सेट हो गया ना, वैसे तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछता तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना था, सीधा आंसर लिखना था। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो आपको दिमाग नहीं, सीधा आंसर दिख रहा था कि नहीं सबको, ये बताओ सीधा हम इसको क्या लिखते, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए, सीधा आंसर इसका क्या आ जाता, टेन सेवेंटी सिक्स। और अगर ये प्रूफ करना होता तो किससे डिवाइड कर देते, अरे बोलो भाई, अगर प्रूफ करना होता तो किससे डिवाइड कर देते, कॉस्ट फॉर्मूला बना के लिखते। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये बताओ, अरे हाँ या ना जोलो। चलिए सेवन के सेकंड क्वेश्चन में आइए जरा, कॉस फोर अल्फा टेन टू अल्फा माइनस साइन फोर अल्फा, ये एलएचएस हम ले ले रहे हैं और उसको आर, इस टाइप के क्वेश्चन में एलएचएस लेके उसको आरएचएस के बराबर दिखाना होता है, ठीक है ना। कॉस फोर अल्फा कॉट टू अल्फा
प्लस साइन फोर अल्फा, ये है क्वेश्चन, और हमें इसको प्रूव करना है टेन टू अल्फा के स्क्वायर में। सर कॉस फोर अल्फा से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हाँ, या कॉस फोर अल्फा से डिवाइड कर दें, हाँ उससे तो अभी तुरंत आपने एक फॉर्मूला सीखा ही हो जाएगा। वेरी गुड, चलो इन्होंने एक टेक्निक सही बताई। दोनों से क्या डिवाइड कर दो भाई, कॉस फोर अल्फा, या दोनों से कॉस फोर अल्फा कॉमन कर लो, है कि नहीं, तो आपको तुरंत क्या दिखेगा, टेन टू अल्फा माइनस टेन फोर अल्फा और कॉट टू अल्फा प्लस कॉट फोर अल्फा। इसको हम लिख देंगे साइन ऑफ टू अल्फा माइनस फोर अल्फा, क्या कहते हो, अपॉन अपॉन कॉस टू अल्फा साइन फोर अल्फा, अरे सॉरी कॉस फोर अल्फा। ये रिजल्ट अभी तो बताया ना, टेन ए माइनस टेन बी भाई, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अरे हाँ या ना बोलो, वैसे आप साइन बाई कॉस में ओपन करके फॉर्मूला भी लगाएंगे, हाँ या ना, बट ऑब्जेक्टिवली अगर आप स्मार्टली करेंगे तो कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। इसको क्या लिख देंगे साइन, इसको क्या लिख देंगे भाई, दोनों को ऐड कर देंगे क्या, ये बताओ। सर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई कराया? हाँ ये तो फंस जाएगा जाके, ना ना ये टेक्निक मजेदार नहीं लग रही मुझे, इसमें तो और कैलकुलेशन आ जाएगा। अलग मेथड से कहा, नहीं नहीं ये टेक्निक मजेदार नहीं लग रही मुझे, बट देखो इसमें सिंपल है मेथड वन, ऐसे ठीक है उससे क्वेश्चन हो जाता है, बट उसमें आपको आगे के और फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, हम उन फॉर्मूलों को यूज नहीं करेंगे भाई। हमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या लाना है, साइन कॉस में चेंज कर दो सबको, देखो सबको जरा साइन कॉस में चेंज कर लो, देखो ऑप्ट करो, दो लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा, साइन कॉस में चेंज करो जरा सबको, देखो साइन कॉस में चेंज करो जरा सबको, देखो देखा, एलसीएम ले लो भाई, यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, कॉस टू अल्फा, क्या बनेगा कॉस फोर अल्फा साइन टू अल्फा माइनस साइन फोर अल्फा कॉस टू अल्फा, कोई फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर? यस सर, कॉस फोर अल्फा कॉस टू अल्फा प्लस साइन फोर अल्फा साइन टू अल्फा, कोई फॉर्मूला दिख रहा है? अरे हाँ या ना जवाब दो। तो ये ऊपर फॉर्मूला कौन सा बन गया भाई, साइन ऑफ टू अल्फा माइनस फोर अल्फा बाई कॉस टू अल्फा, और ये फॉर्मूला कौन सा बन गया भाई, कॉस ऑफ फोर अल्फा माइनस टू अल्फा इंटू साइन टू अल्फा। अब देखो साइन टू अल्फा बाई कॉस टू अल्फा कंबाइन होकर क्या बना देगा, टैन टू अल्फा। अच्छा और ये क्या बन गया, माइनस साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा, तो ये क्या कंबाइन होकर बना देगा, माइनस टू अल्फा। दोनों मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर, टेन स्क्वायर टू अल्फा आ जाएगा। यस, ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे सटीक मेथड है सर। मैंने सर उस मेथड से भी आ जा रहा है, है ना, तो ये टेन टू अल्फा माइनस टेन फोर अल्फा बना, और यहाँ पे बना कॉट टू अल्फा प्लस टेन फोर अल्फा। फिर अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया, टेन टू अल्फा माइनस टेन फोर अल्फा ऐसे ही रहने दिया, इसको लिख दिया वन अपॉन टेन टू अल्फा और प्लस टेन फोर अल्फा। फिर इन्होंने डिनोमिनेटर से टेन टू अल्फा एलसीएम ले लिया, तो टेन टू अल्फा टेन फोर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन टू अल्फा टेन फोर अल्फा आ गया, और जो एलसीएम लिया वो टेन टू अल्फा ऊपर चला गया, यही तो किया ना आप लोगों ने। ये बन गया फॉर्मूला टेन टू अल्फा माइनस टेन फोर अल्फा का, और साथ में एक टेन टू अल्फा और आ गया, तो यहीं से टेन स्क्वायर टू अल्फा आंसर आ गया, यही टेक्निक थी। ठीक है, अच्छा मेथड है, आई लाइक इट, सोच सकते हैं आप ऐसे, सही है भाई। क्या हम इसको cot of x plus 2x लिख सकते हैं, सोचो जरा, इसको हम लिख सकते हैं cot x cot 2x minus 1 upon cot 2x plus cot x, लिख सकते हो कि नहीं, सोचो जरा, लिख सकते हो ना, क्या फॉर्मूला सही लिखा है गलत लिखा है, बस ये बताओ, अरे बोलो यार। यस, ये किसका फॉर्मूला है, cot 3x का, इसी को अगर आप लिखो तो cot 3x into cot 2x plus cot 3x into cot x equal to cot x into cot 2x minus 1, यहीं पे देखो रिजल्ट क्या प्रूव होता हुआ दिख रहा है सबको,
आंसर वन आ गया, दिखा क्या भाई? अरे हाँ या ना जवाब दो यार। यस सर। यस। टेक्निक समझ में आ गई होगी, सीधा आंसर आ गया वो। अरे हाँ या ना जवाब दो, सीधे कॉट 3x वाला रिजल्ट लगा के सिंपलीफाई कर दिया। अरे हाँ या ना जवाब दो यार। सेकंड डिस्टर्ब नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा, कौन सा? cot 3x प्रूव करो। तो LHS में क्या लिखा हुआ है? cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। क्या इन दोनों टर्म से cot 3x कॉमन आ रहा है, बस ये बताओ। यस सर। कॉमन कर लो, यहाँ क्या बचेगा बताओ। समझ गए कि नहीं? अरे हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, cot x cot 2x के टर्म तो चाहिए, इसी को हम लिख देते हैं x plus 2x। अरे हाँ या ना में जवाब दो, और अब x plus 2x करके इसका फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा बताओ। cot x cot 2x minus 1 upon cot x plus cot 2x, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ, cot x plus cot 2x। ये और ये कैंसिल, माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे cot x cot 2x minus cot x cot 2x plus 1, ये और ये कैंसिल, आंसर क्या 1 आ गया। हाँ या ना में जवाब दे दो। yes. देख लो। yes, sir. समझ गया, हो गया सही है ना? क्या पढ़ा है कोई मुझे बताएगा? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, very good। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो tan a plus b minus tan a plus b into tan a tan b, क्या आ जाएगा? tan a plus tan a। तो जरा सोच के बताना कि tan a plus b, ठीक है, इंटू टेन ए इंटू टेन बी, क्या हम इसको टेन ए प्लस बी माइनस टेन ए माइनस टेन बी लिख सकते हैं कि नहीं? सोचो, लिख सकते हैं या नहीं बोलो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, लिख सकते हैं या नहीं? tan a plus b into tan a tan b, इसको क्या लिख सकते हैं? yes sir, लिख tan a plus b minus tan a minus tan b, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो। yes, very good। चलिए अब यहीं पे देखो जरा ध्यान से कि अगर a plus b का सम pi by 4 हो तो 1 plus tan a और 1 प्लस टेन बी, ये प्रोडक्ट हमेशा 2 होता है। अगर दो एंगल ऐसे हों जिनका सम क्या हो पाई बाई 4 हो तो 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी हमेशा 2 होता है। ये कोई रिजल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन है जिसको एज अ रिजल्ट की तरह हम ट्रीट करते हैं। क्यों ऐसा होता है? हाँ भाई, ऐसा क्यों होता है देखिए अब जरा ध्यान से। अगर a प्लस बी की वैल्यू पाई बाई 4 है तो इसका मतलब tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब tan a प्लस tan b जो है वो 1 माइनस tan a tan b के बराबर होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? तो tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b ये वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसका मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b प्लस 1 2 के बराबर होगा। अब इसी को अगर हम फैक्टराइज करें, इन दो फैक्टर को एक साथ ले लें और इन दो फैक्टर को एक साथ ले लें, तो क्या ये 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी लिखा है और ये वैल्यू 2 के बराबर लिखी है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, क्या कहते हो? मेरी बात समझ लो। देखा इस वाले रिजल्ट का कितना यूज मिल गया आपको।
देखो क्या करोगे, 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री से लेके 1 प्लस टेन 22 डिग्री, इसके बाद आएगा 1 प्लस टेन 23 डिग्री, 1 प्लस टेन 24 डिग्री से लेके 1 प्लस टेन 44 डिग्री, और इसके बाद यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस टेन 45 डिग्री। अब देखो 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन बी, ए प्लस बी 45 है। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन बी, ए प्लस बी 45 है, 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टी बी, तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 22। सबकी वैल्यू 2 की पावर 22 आ गई और एक बच गया 1 प्लस टेन 45 डिग्री। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 23। तो के की वैल्यू सीधा 23 आ गई। क्या है लॉजिक, सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ इम्पोर्टेंट। अरे बोलो यार, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बोलूं? साइन ए प्लस बी प्लस सी, हाँ इसको एक मान लेंगे और ओपन कर देंगे। वेरी गुड, चलो ये भी सही किया भाई। तो ये साइन ए प्लस बी कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी साइन सी, फिर क्या करोगे बताओ? सिर्फ साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी ओपन कर दोगे ऐसा? तो साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी, इसके बाद कॉस ए कॉस बी कॉस सी एंड साइन ए साइन बी साइन सी, यही लिखोगे ना? अच्छा ऐसे ही सोचो, अगर मैं साइन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला पूछूं तो फिर से ऐसे दोनों पेयर में ओपन करके लिखो, साइन सी हो, साइन सी होगा ना, कॉस ए कॉस बी साइन सी। अच्छा यहाँ पे साइन सी होगा, देखो ऐसे अगर मैं आपसे यही सेम फॉर्मूला पूछूं प्लस डी में तो भी आप सेम ऐसे ओपन करके बार बार इतना बड़ा सा रिजल्ट लिखोगे, लिखोगे कि नहीं? अब आते हैं ऑब्जर्वेशन पे कि इस वाले रिजल्ट को दिमाग में आसानी से कैसे रख लेंगे, ठीक है ना भाई? बोलो है कि नहीं? अब देखिए जरा ध्यान से, अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन सिखाता हूँ। साइन ए प्लस बी का रिजल्ट आपने क्या लिखा है क्विक? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अगर हम इस पूरे से कॉस ए कॉस बी कॉमन करें तो क्या यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी बन जाएगा? ये देख लो बस, बोलो क्या यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी बन गया? यस सर। दिखा सबको कि नहीं ये वाला रिजल्ट? अच्छा ऐसे इस वाले रिजल्ट में जो ये साइन ए प्लस बी प्लस सी लिखा है इसमें से कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन कर लो तो अंदर क्या बचेगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। देखो जरा ध्यान से, अब ये लिखना हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं, क्या करते हो? Yes, sir. Tan A plus Tan B plus Tan C upon Tan A Tan B Tan C बनेगा कि नहीं? क्या ये दोनों रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन क्लियर हुए सबको, ये बताओ? अभी इसका बड़ा ऑब्जर्वेशन थोड़ी देर बाद लेंगे, क्या अभी तक मैंने जितना लिखा उतना सबको दिखा कि नहीं ये बताओ, ये कॉमन करने वाली चीज दिखी कि नहीं भाई? यहाँ पे cos A cos B है, हम cos A से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये tan A बन जाएगा, यहाँ पे cos B से मल्टीप्लाई कर लो तो ये tan B बन गया, यहाँ पे cos c से मल्टीप्लाई कर लो तो ये tan c बन गया, अब cos a cos b cos c कॉमन कर लो, यहाँ पे cos a cos b cos c से डिवाइड करके cos a cos b cos c लिख लो, अब cos a cos b कॉमन करो, देखो ये रिजल्ट बन जाएगा। फीलिंग आई कि नहीं आई? अरे हाँ है ना भाई, दिखा सबको कि नहीं? Yes, sir. हाँ है ना, नहीं तो फिर रिवीजन में गड़बड़ गया। मतलब मैंने बताया कि टेन ए टेन बी टेन सी तीन एंगल है, तो एस वन का मतलब एक एक को लेकर सम, एक एक को लोगे तो क्या लोगे, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। एस टू का मतलब दो दो टेन एंगल को लेकर, तो टेन ए टेन बी
टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। एस थ्री का मतलब तीन तीन को लेकर सम, तो तीन में एक ही पेयर बन पाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी। अच्छा ये आपने वो अल्फा बीटा गामा के साथ टाइम पे पेयर बनाए हैं, तो आपको पेयर कैसे लिखने होते हैं इसका आइडिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये क्या है एस वन और ये क्या है एस थ्री, तो ये वन माइनस एस वन माइनस एस थ्री हो गया। यहीं से मैं आपसे कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस सी पूछूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है वन माइनस एस टू, ये दो दो का सम लिखा हुआ है। यहीं से टेन ए प्लस बी प्लस टेन ए प्लस बी प्लस सी पूछूं, तो एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस एस टू आ रहा है। तो इसका मतलब साइन, अगर ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन तक जाना है हमें, तो कॉस के सारे एंगल्स का पहले प्रोडक्ट, फिर अल्टरनेट सारे ऑड वाले, मतलब एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन प्लस एस नाइन माइनस एस इलेवन एंड सो ऑन। कॉस के केस में अगर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए एन जाना है, तो कॉस ए वन से लेके ए एन तक का प्रोडक्ट कॉस ए वन कॉस ए टू कॉस ए थ्री और अल्टरनेट इवन वाले, यानी वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स एंड सो ऑन। दोनों को डिवाइड जैसे ही करोगे तो टेन ए प्लस बी प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री में क्या आ जाएगा, ऑड वाले अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ न्यूमरेटर में और इवन वाले डिनोमिनेटर में, यानी एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस एस सेवन एंड सो ऑन, वन माइनस एस टू प्लस एस फोर माइनस एस सिक्स एंड सो ऑन। और एस आर का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर टेन एंगल टेकन एट ए टाइम, मतलब एक एक टेन एंगल लेके सम, दो दो टेन एंगल लेके सम, तीन तीन टेन एंगल लेके सम, चार चार टेन एंगल लेके सम, ऐसे करके एस वन एस टू। तो साइन वाले में ऑड वाले अल्टरनेट आएंगे, कॉस वाले में इवन वाले अल्टरनेट आएंगे, और टेन वाले में दोनों का डिवीजन आ जाएगा। बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं, जैसे टेन सेवेंटी फाइव निकालना चाहोगे तो टेन थर्टी प्लस फोर्टी फाइव कर दोगे, तो इसी को फॉर्मूला लगा दोगे टेन थर्टी प्लस टेन फोर्टी फाइव अपॉन वन माइनस टेन थर्टी टेन फोर्टी फाइव, तो यही रिजल्ट क्या आ जाएगा वन बाई रूट थ्री प्लस वन अपॉन वन बाई रूट थ्री माइनस वन। तो देखो क्या ये रिजल्ट वही आ गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने ऐसा मुझे, सर वो उल्टा हो गया, ये उल्टा है, नहीं ये गलत लिख दिया है, वन बाई रूट थ्री प्लस वन तो सही लिखा है, ये वन माइनस रूट थ्री आता है ना, ये रिजल्ट रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन आ रहा है क्या, टू प्लस रूट थ्री दिखा के नहीं, ये रिजल्ट आप कई बार कई जगह ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करते हैं, समझ में आया ना, कई बार कई जगह ये वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्यों मैं इसका इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ ना, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बोलूँ मैं, क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस या प्लस था शायद रूट थ्री एक्स और प्लस वन था शायद, एक सेकंड क्वेश्चन जरा रिकॉल करने दो, देखना ध्यान से, एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट थ्री एक्स, क्या ये दिखा, ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है सिक्वेंस एंड सीरीज के टाइम पे, याद आ रहा होगा आप सभी को, याद आया ये आइडेंटिटी का प्रूव आपने उस समय पढ़ा है, रिकॉल कराऊं कौन सी आइडेंटिटी थी, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसको आप स्मार्टली ये लिख देते हैं प्रूफ करके, दिख रहा है कि नहीं, yes, वैसे ही टाइप की फीलिंग है यहाँ भी। अब जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स प्लस 1 की, तो क्या ये x स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 1 आएगा, इसका मतलब जो फंक्शन हमें दिया हुआ है y, वो बेसिकली क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस 1, तो जो dy / dx होगा वो क्या होगा 2x माइनस रूट थ्री, तो a प्लस बी क्या होगा
टू माइनस रूट थ्री, और इसका सीधा आंसर कितना होगा 10-15 डिग्री. दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन. क्या कहते हो? चलिए मल्टीपल एंगल की बात करते हैं. तो इसमें हम वही 2a, 2b, 3a, 3b वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है ना. जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन 2a, दैट इज 2 साइन a कॉस a, या फिर 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a. पहला रिजल्ट साइन 2a. ओके है भाई? कैसे? तुरंत प्रूफ भी देख लेंगे. आपने पढ़ा है ना भाई साइन ए प्लस बी कितना होता है? बोलो. साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी. इसी में ए को क्या कर दो? बी. तो क्या ये साइन टू ए हो जाएगा? और यही क्या बन जाएगा? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए. तो क्या हम इसको साइन ए कॉस ए का ट्वाइस लिख देंगे? बोलो. अरे हाँ या ना बताओ. यस सर. अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस ए. इसी में हमने क्या किया? सेक स्क्वायर ए से डिवाइड कर लिया और सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि हमें इसको टेन में चेंज करना है. या चलो नहीं किया इससे, हमें इसको टेन में चेंज करना है. तो ये टेन में कैसे चेंज होगा, सोच के बताओ. कॉस ए. अगर यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए कर ले. अरे बोलो भाई. तो हमने एक कॉस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये बन गया 2 टेन ए, और नीचे आ गया सेक स्क्वायर ए. अच्छा, सेक स्क्वायर ए को क्या हम 10 में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. दैट इज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. तो 10 में ये वाला रिजल्ट हो गया और ये 2 साइन ए कॉस ए हो गया. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए ऐसे अब हम बात करते हैं कॉस की. तो कॉस 2a का रिजल्ट होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए. देख लीजिए भाई, कॉस 2a का रिजल्ट है ये. ये किसका रिजल्ट है? कॉस 2a क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ भाई. बोलो. सॉरी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. ओह सॉरी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बेटा. ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है ना. अब कैसे आया? सेम लॉजिक है. a प्लस बी का रिजल्ट बोलो क्या होता है? कॉस a कॉस b साइन a साइन b. a को b के बराबर रख दो, क्या आएगा बताओ? कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. दिखा क्या सबको? बोलो. अच्छा, अब अगर हमें ये रिजल्ट पूरा कॉस में चाहिए तो इसको हम क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? तो ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया. अरे बोलो. अच्छा, अगर हमें यही रिजल्ट पूरा साइन में चाहिए होगा तो क्या करोगे बताओ? तो कॉस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं. yes. तो ये रिजल्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया. अच्छा, अब अगर हमें ये पूरा रिजल्ट टेन में चाहिए तो क्या करोगे? पूरे से क्या कॉमन करोगे? कॉस स्क्वायर ए कॉमन करोगे. तो क्या ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बन जाएगा? वही सेम लॉजिक भाई. हाँ, और इसको क्या लिख देंगे? 1 अपॉन sec स्क्वायर ए. तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा. क्या ये बात सबको समझ में आई? ये रिजल्ट क्लियर हुए कि नहीं? अरे हाँ या ना मैं बताओ भाई. बोलो. समझ गए कि नहीं? तो सिचुएशनली हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर ए की बात हो तो हम इसको 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 लिख दें, और कॉस स्क्वायर ए की बात हो तो हम इसको 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 लिख दें. क्या हम ऐसे भी देख सकते हैं? क्योंकि 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी?
अरे हाँ या ना बताओ भाई, बोलो। समझ गया कि नहीं भाई? तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। अब आ जाओ लास्ट रिजल्ट टेन में। सर इसे याद कैसे करें सर, या फिर इसे प्रूव कर देंगे इसी समय? कौन सा सर? ये जितने भी फॉर्मेट आपने बताया अलग अलग। नहीं नहीं, ये तो दिमाग में सेट हो जाएंगे ना, अभी सेट करना सिखा देंगे। दो मिनट दो, टेन टू ए का रिजल्ट क्या होगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे अगर हमें cot 2a का रिजल्ट चाहिए तो cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, ये होता है tan 2a का रिजल्ट। ये तो b, ये भी इसी तरीके से प्रूफ कर लोगे कि नहीं? yes. tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार, प्रूफ कराऊं या कर लोगे? कराने की जरूरत नहीं है ना, tan a प्लस b वाला लॉजिक लगा लेंगे, सिंपल सा। yes, और इसके बाद तुरंत इसको लिख लेंगे। क्या ये मल्टीपल एंगल के रिजल्ट क्लियर हैं? अब याद रखने की टेक्निक देखो, साइन 2a है मतलब a प्लस a, तो 2 साइन a cos a, दिखा गया a प्लस a सेम एंगल, हाँ है ना? और tan में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, नहीं है, नहीं समझे? अरे a प्लस a ना, a प्लस a वही जो प्रूफ था। अब यार साइन a प्लस b तो दिमाग में सेट है ना सबके? यस सर। तो साइन a cos a, साइन a cos a मतलब 2 साइन a cos a, समझ गए कि नहीं भाई? हाँ या ना? चलिए साइन cos 2a ऐसे ही, cos a माइनस साइन a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बोलो। अच्छा cos पहले आ रहा है तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, साइन बाद में आ रहा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, दिखा क्या? बोलो, अरे बोलो यार, ओके हो यहाँ तक? हाँ है ना? अच्छा अब 10 में आओ, 10 वाला रिजल्ट देखो, जो साइन का 10 के टर्म में है, 2 tan a यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर a, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है कि नहीं? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला स्क्वायर में चलता है और यहाँ पे बिना स्क्वायर के चल रहा होता है, क्लियर हो गया कि नहीं ये बताओ? दिमाग में रखने की कुछ टेक्निक हल्की फुल्की, क्लियर हुई? यस यस। और टेन 2a वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है? 1 माइनस टेन स्क्वायर आ रहा है ना? बोलो भाई। तो एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो सिंपल सी ये है कि तीनों फॉर्मूले, चाहे साइन 2a हो, चाहे कॉस 2a हो, चाहे टेन 2a हो, तीनों फॉर्मूले टेन के टर्म में लिखे जा सकते हैं कि नहीं? बोलो। yes, sir. Yes. ये बात याद रखिएगा, बाद में जब इसको यूज करेंगे तब समझेंगे। अब आइए जरा अगले रिजल्ट में, दैट इज 3a। 3a और लिख लेते हैं, बाकी फिर जनरल ऐसे ही प्रूफ करने लगेंगे। साइन 3a का रिजल्ट होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये याद रखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इसको कई बार यूज करते करते याद हो जाएगा। tan 3a का रिजल्ट होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, देख लीजिए आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। देख लीजिए आराम से, कोई कर ये डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे। हाँ ये तो ये दिमाग में रखने पड़ेंगे, इसका एज अ कोई शॉर्टकट तो नहीं है यार, ठीक है ना? अब इसको प्रूफ कर लेंगे, तो प्रूफ तो वैसे ही ब्रेकिंग में कर दोगे? जैसे आपको साइन 3a प्रूफ करना है, कैसे करोगे बताओ? साइन ए प्लस बी प्लस, ना 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 ना, टू ए प्लस है यार, टू ए तो पढ़ लिया ना हमने अभी, साइन टू ए कॉस ए, तो प्रूविंग आती है क्या इसकी? हाँ ये आ सकती है, कॉस टू ए साइन ए, सही है ना? अच्छा साइन टू ए का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है?
टू साइन ए कॉस ए, और कॉस टू ए के तो कई फॉर्मूले पड़े हैं, पूरा रिजल्ट आपको साइन में चाहिए तो कॉस टू ए का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो साइन में है, लगा दिया कि नहीं? अच्छा ये बन जाएगा टू साइन ए, ये बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये ऐसे ही क्या बन जाएगा साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए, तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए आ जाएगा, आया ना? मैं जवाब दो क्या हम ऐसे ही कॉस थ्री ए कर लेंगे बताओ? यस कॉस टू ए प्लस ए, तो क्या आ जाएगा कॉस टू ए कॉस ए माइनस साइन टू ए साइन ए, अब सारे फॉर्मूले लगा दो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं कॉस का, तो टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन इंटू कॉस ए, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, तो वही टू साइन ए कॉस ए, बाद में साइन ए को किसमें चेंज कर देंगे बोलिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में, और कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये रिजल्ट फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए आएगा, चेक करिए जरा सही लिख रहा हूँ, सही है ना? चलिए ऐसे ही टेन थ्री ए का रिजल्ट क्या लगाओगे बोलो, अब चाहो तो इसको साइन थ्री ए बाई कॉस थ्री ए लिख सकते हो कि नहीं बोलो, साइन थ्री ए मतलब थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए बोलो, और कॉस थ्री ए मतलब फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, ये समझे कि नहीं? आया ना? बोलो, बट यार इससे थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, छोड़ दो इसको, वैसे लगा लो, वो जल्दी आसानी से हो जाता है, क्या आसानी से हो जाता है वही टेन टू ए प्लस ए लगा लो, उससे जल्दी समझ जाओगे, ये तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो टेन टू ए प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए टेन टू ए, अब टेन टू ए का फॉर्मूला और लगा दो, तो टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन ए होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है, अब जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो टू टेन ए प्लस टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टू टेन स्क्वायर ए, अब वही रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, क्या कहते हो, समझ गया कि नहीं? तो ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, इन सारे रिजल्ट्स को कहीं एक जगह नोट कर लीजिएगा कॉपी में, सर इनकी प्रूविंग नंबरों को आ सकते हैं मतलब ये जो आपने पहले या इनकी प्रूविंग का क्या मतलब, सीधा फॉर्मूला लगाना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस लगाएंगे तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, कॉस ए प्लस इनमें अल्टरनेट प्लस माइनस आता है ना फॉर्मूले में, तो इसमें साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा कॉस वाला बचेगा, इसमें कॉस वाला पोर्शन हो जाएगा साइन बचेगा, तो ये प्रूफ तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, प्रूफ तो समझ गए होगे। अब देखिए जो मैं बता रहा था इसको दिमाग में कैसे रखेंगे वो देख लो, जैसे दोनों एंगल कॉस के हैं तो रिजल्ट लगेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दोनों एंगल साइन के हैं प्रोडक्ट में ठीक है तो भी कॉस का ही रिजल्ट लगेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अगर एक एंगल साइन का है और एक एंगल कॉस का है तो साइन वाला एंगल हमेशा पहले रख लेना और फॉर्मूला लगा देना साइन में, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अब अगर आप कॉस वाला एंगल पहले रखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक माइनस कॉमन आ जाएगा जो कि ये वाला रिजल्ट है, तो ये तीन रिजल्ट हैं इनके यूज में, देखे तीनों
दोनों अगर कॉस में हैं प्रोडक्ट में तो सीधे क्या लगा देना है, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। एक दोनों साइन में है तो क्या लगा देना है, बोलो कॉस वाला ही रिजल्ट लगाना है बट माइनस के साथ, यानी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एक साइन और एक कॉस में है तो पहले साइन लिख लेना, अच्छा सबके साथ टू होना चाहिए, टू साइन ए कॉस बी, समझ रहे हो कि नहीं। एक साइन में है और एक कॉस में है तो पहले साइन लिख लेना और फिर फॉर्मूला लगा देना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर माइनस कॉमन होना आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, वो आपकी एडर नहीं है, बट साइन पहले लिख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ। यानी प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करना, प्रोडक्ट को किस में ब्रेक करना, सम में। अब जैसे एग्जाम्पल वाइज देखो, टू साइन फोर ए कॉस फाइव ए, क्या लिखोगे बताओ। एक एंगल साइन में और एक कॉस में, तो फॉर्मूला साइन में लगाएंगे और टू वही साथ में, तो साइन फोर ए प्लस फाइव ए और साइन फोर ए माइनस फाइव ए। तो देखो अपने आप माइनस कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, दिखा सबको। Yes, ऐसे ही कहीं लिखा हो टू कॉस थ्री ए कॉस सेवन ए, दोनों एंगल कॉस में है कि नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, कॉस थ्री ए माइनस सेवन ए प्लस कॉस थ्री ए प्लस सेवन ए। अच्छा कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो ये कॉस फोर ए प्लस टेन ए बन जाएगा कि नहीं। यहीं पे कहीं लिखा हो साइन फाइव ए इंटू साइन फोर ए, अच्छा इसमें टू मिसिंग है, तो सबसे पहले इसको साइन फाइव ए कॉस सॉरी साइन फोर ए टाइम्स ऑफ ट्वाइस लिख लोगे और फिर फॉर्मूला लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बोलो। दोनों एंगल किस में है भाई, साइन में, तो कॉस में रिजल्ट लगाएंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस में है दोनों साइन में थे, कॉस वाला रिजल्ट माइनस में लगेगा क्योंकि साइन माइनस में आ जाता है, तो कॉस ए फाइव ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस फाइव ए प्लस फोर ए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, कॉस ए माइनस कॉस नाइन ए। क्या ये बातें समझ में आ रही है, बोलो 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 सर। अपॉन में टू भी तो, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी अपॉन में टू भी, अब ठीक है ओके हुए रिजल्ट भाई, ठीक है ना भाई। मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस सॉरी साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। याद रखने की टेक्निक, साइन सी प्लस साइन डी, तो पहला रिजल्ट साइन में दूसरा कॉस में, सी प्लस डी बाई टू इंटू सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी पहला कॉस में दूसरा साइन में, सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। जो पहले वो प्लस में जो बाद में वो माइनस में, ठीक है ना, जो पहले वो प्लस में जो बाद में वो माइनस में। कॉस सी प्लस कॉस डी, जब दोनों कॉस ऐड करते हैं तो कॉस में रिजल्ट बचता है, तो कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस कॉस डी, जब दोनों कॉस सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन में रिजल्ट आते हैं, तो कॉस साइन सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू माइनस के साथ। ये याद रखने की टेक्निक होगी रफ, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट आए कहाँ से, देखिए मैं एक प्रूफ कर देता हूँ, बाकी तो सब आप आराम से प्रूफ कर लेंगे। क्या ये फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, बोलो। बस इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से ये फॉर्मूले प्रूफ कर दिए गए, समझ रहे हो कि नहीं। कैसे, देखो हमने कहा कि a प्लस बी जो है वो c है और a माइनस बी जो है वो d है, तो a कितना आ गया और b कितना आ गया, अरे बोलो यार, क्या ये चीज दिख रही है, ए सी प्लस डी बाई टू एंड बी सी माइनस डी बाई टू, हाँ या ना में जवाब दो, क्या कहते हो, बस रख दो। तो पहला रिजल्ट क्या आया, साइन सी प्लस साइन डी, बोलो दिखा,
टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब दूसरा बताओ साइन सी माइनस साइन डी क्या आ रहा है, बोलो जल्दी से। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अरे हाँ या ना में जवाब दो यार। अगला बोलो कॉस सी मतलब कॉस डी प्लस कॉस सी लिखा है तो उसको जरा कॉस सी प्लस कॉस डी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आ रहा है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ऐसे लास्ट वाला बोलो कॉस सी माइनस कॉस डी करोगे तो पूरे से एक माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। हाँ या ना, क्या ये रफली एनालिसिस समझ में आई सबको कि नहीं, बोलो। अरे शिट।